आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आया हूँ। एक ऋषि मुनि से हम क्या सीखे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या सीख सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर वैसे तो हम किसी भी ऋषि मुनि से जो भी सीखे वो हमारे लिए कम है, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान का भंडार है और उनका ज्ञान कभी खत्म होता नहीं। और ज्ञान ऐसा चीज है, वो आप जितना बांटिएगा वो उतना ही बढ़ता है, कभी भी वो खत्म हो नहीं सकता। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे किसी को दें और आपके पास कम पड़ जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ऐसा कभी होगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में आपको ये बताते हैं। एक भारती नाम का एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, उसके पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही विशाल था, वैसा घोड़ा पूरा मुल्क में किसी के पास भी नहीं था। उस ऋषि मुनि को उस घोड़े के ऊपर बहुत ही नाज था, वो बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा सिर्फ मेरे पास ही है, इस मुल्क में किसी के पास भी नहीं है। वो रोज शाम को अपने पूजा पाठ करने के बाद घोड़े में बैठकर कई मील का यात्रा तय करते थे और उसके बाद लाकर उसे अस्तबल में बांध दिया करते थे। बहुत दिन हो गई, एक बार ये खबर हवा में फैलते फैलते डाकू के पास पहुंचा। डाकू का नाम था शमशेर सिंह। वो जो डाकू था वो बहुत ही खतरनाक था। एक दिन वो डाकू ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचा तो उस ऋषि मुनि ने पूछा, शमशेर सिंह तुम यहाँ कैसे, क्या चाहिए तुम्हें? तो उस डाकू ने कहा कि मैंने आपके घोड़े का चर्चा पूरे गांव भर में बहुत लोगों के मुख से सुना है, आज मुझे इच्छा हुई कि मैं उसे एक बार देखूं कि वो कैसा है। सबने ये कहा कि वैसा घोड़ा पूरा मुल्क में किसी के पास भी नहीं है, क्या है उस घोड़े में, ऐसा क्या खास बात है, वही मैं यहाँ आज देखने आया हूँ, क्या आप मुझे उसे दिखाएंगे? उस ऋषि मुनि ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, चलिए आप मेरे पीछे पीछे आइए। वो ऋषि मुनि ने उस डाकू को अस्तबल में लेकर गए तो उस डाकू ने जब उस घोड़े को देखा तो उसका मुख पूरा आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगा कि इतना सुंदर घोड़ा इस ऋषि के पास क्या कर रहा है, ये ऋषि तो सब कुछ त्याग दिया है पर इस घोड़े को इसका क्या काम, इसे तो इसका कोई भी काम नहीं है, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। तो वो बोलता है ऋषि मुनि को कि आपका जो ये घोड़ा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विशाल है, पर इसका मुझे चाल तो दिखाइए, कैसे ये चलता है, कैसे ये दौड़ता है। तो वो ऋषि मुनि उसे चाल दिखाने के लिए बाहर को लेकर आए और उसे दिखाया तो उस डाकू ने ऋषि मुनि को बस एक ही बात बोला कि आपके पास ये घोड़ा शोभा नहीं देता, आपके पास से मैं ये घोड़ा को एक दिन चुरा कर ले जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। डाकू के जाने के बाद पंडित बहुत ही टेंशन में आ जाता है, उसके मन में यही चलती रहती है कहीं उसके घोड़े को वो डाकू लेकर ना चल जाए। वो अपने घोड़े से बहुत ही प्यार करता है, इसीलिए उसे बहुत ही भय लगा रहता है कि कहीं वो उसे चुरा कर ना ले जाए। वो दिन भर घोड़े का ख्याल रखता है और रात को बिना सोए उस घोड़े का रखवाली भी करता है। बहुत दिन बीत जाती हैं, प्राय 3 से 4 महीने का वक्त निकल जाता है तो उसके मन में ये ख्याल आती है कि नहीं, लगता है कि ये एक बुरा सपना था, वो डाकू मुझे डरा कर गया है, वो इस घोड़े को लेने नहीं आएगा, मुझे अब कोई टेंशन का बात नहीं है, अब मैं आराम से रह सकता हूँ, लगता है उस डाकू ने मुझे डराया है। शाम को वो ऋषि मुनि सैर के लिए जा रहा होता है तो उसकी नज़र एक भिखारी पे पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, पर वो ऋषि मुनि उस भिखारी को कुछ नहीं बोलता तो वो भिखारी खुद ही बोलता है, महाराज आप मेरी मदद करिए नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो वो ऋषि मुनि बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूँगा। तो वो भिखारी बोल रहा है कि मुझे पास के गांव में जाना है पर मेरा तबीयत इतना ख़राब है कि मैं वहां तक पैदल नहीं जा सकता और मैं अपाहिज भी हूं, तो आप कृपा करके मुझे वहां तक ले चलें, आप मुझे मदद करें क्योंकि आप एक महाराज हैं और मैं आपसे इसीलिए मदद मांगता हूँ। अपने मन में ये सोचता है, कहीं ये वो डाकू तो नहीं शमशेर सिंह जो मुझसे छल करने का कोशिश कर रहा है, पर वो ऋषि सोचता है कि नहीं, ये डाकू हो या भिखारी मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इसका मदद करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ, मुझे धर्म के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो वो ऋषि बोलता है, तुम एक काम करो, तुम घोड़े पर जाके बैठ जाओ और मैं इसका लगाम पकड़ कर ले चलता हूँ। तो वो आदमी भी जाकर घोड़े पर बैठ जाता है। वो ऋषि थोड़ी देर आगे ही बढ़ता है तो उसके हाथ से कोई लगाम को खींच लेता है। जब वो ऋषि पीछे घूर के देखता है तो देख रहा है कि घोड़े पर वो डाकू बैठा हुआ है और वो डाकू घोड़े को लेके भाग रहा है।
वो ऋषि जोर से आवाज लगाता है कि तुम कृपा करके थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो वो डाकू भी रुक जाता है और वो डाकू बोलता है कि मैं ये घोड़ा अब आपको नहीं दूंगा, ये घोड़ा अब मेरा हुआ। तो वो ऋषि भी बोलता है ठीक है, मैं ये घोड़ा तुम्हें दे देता हूँ, मैं तुमसे ये घोड़ा अब नहीं मांगूंगा, ये घोड़ा तुम्हारा हुआ। विनती करता हूँ कभी भी इस घटने का जिक्र किसी के पास भी मत करना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये जाने कि तुमने छल करके इस घोड़े को मुझसे ले लिया। तो वो डाकू भी सोच में पड़ जाता है, वो अपने मन में सोचता है आज के पहले कभी भी इस ऋषि ने इस घोड़े को अपने से अलग नहीं किया और आज इतनी आसानी से मुझे ऐसे कैसे लेकर जाने दे रहा है। तो वो ऋषि से पूछता है ऐसा क्यों, तो वो ऋषि बोलता है अगर तुम इस घटने का जिक्र किसी से भी कर दोगे तो लोगों को भिखारी के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और कभी भी कोई भी लोग भिखारी को भरोसा नहीं करेंगे, हर समय वो यही समझेंगे कि ये हमसे छल कर लेगा, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं तुम्हें ये घोड़ा दे देता हूँ पर तुम ये जिक्र मत करना। और वो ऋषि वहाँ से इस प्रकार से चला जाता है जैसे वो घोड़ा तो उसका था ही नहीं और वो अपने आश्रम को लौट जाता है। वो डाकू बहुत ही सोच में पड़ जाता है, वो मन ही मन यही सोच रहा होता है कि मैंने उससे छल किया पर अभी भी वो दूसरों के बारे में ही सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कहीं आदमी का भिखारी से भरोसा ना उठ जाए, सही में वो बहुत ही महात्मा पुरुष है, मुझे ये अब घोड़ा नहीं चाहिए। रात होती है और आधी रात को वो उस घोड़े को उसके अस्तबल में जाकर बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे एक पर्ची रख जाता है, होती है वो ऋषि मुनि जाग जाते हैं, तब उसके कान में एक आवाज आती है। वो अपने मन में सोच रहा है ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आवाज मेरे घोड़े की है। वो उठता है और अस्तबल में जाता है, जाके वहाँ पे देख रहा है कि मेरा घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है। वो बहुत ही खुश हो जाता है, वो जाकर घोड़े से गले मिलता है, तभी उसे एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि मैं डाकू शमशेर सिंह जीत के भी हार गया और आप हार के भी जीत गए, इसीलिए मुझे अब ये घोड़ा नहीं चाहिए, आपका घोड़ा आपको मुबारक हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उस ऋषि के पास में कुछ भी नहीं था, हीरे जवाहरात नहीं थे, पैसे धन भी नहीं थे, उसके पास में एक अनमोल घोड़ा था, पर जब समय आया तो उस घोड़े को उस ऋषि ने ऐसे त्यागा जैसे वो उसका था ही नहीं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने लाइफ में दूसरों के प्रति थोड़ा भावना और थोड़ा प्यार रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। आप दूसरों का मदद करोगे तो भगवान भी आपका मदद जरूर करेगा। और हमेशा अपने दिमाग में ये याद रखिए कि मदद करने वाला कष्ट पहुंचाने वाला से बहुत बड़ा होता है, उसका जो औधा होता है वो बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए हमेशा मदद करिए, कभी भी किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, क्योंकि कष्ट पहुंचाने में कोई लाभ नहीं, पर आप यदि किसी का मदद करोगे तो उसका दुआ आपको जरूर लगेगी। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बोलना चाहता था। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड के संग शेयर करें। थैंक यू।